हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अ90s किड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड की टॉप 15 रोमांटिक मूवीज के बारे में। आज की लिस्ट में नंबर 15 पर है चांद के पार चलो। मूवी की स्टार कास्ट न्यू थी और कहानी भी रिपीटेड थी, बट फिल्म में बहुत सारी जगह ऐसे सीन हैं जो सीधे आपके दिल को छू जाएंगे और आपको आंसू और गुस्सा एक साथ आ सकता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग मिली है। 70% गूगल यूजर्स ने फिल्म को पसंद भी किया है। अगर आपने आज तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। नंबर 14 पर है एक बेहतरीन रोमांटिक फिल्म रांझना। गली मोहल्ले की बचपन के प्यार की कहानी को इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सोनम कपूर और धनुष की जोड़ी बहुत अच्छी लगी है और दोनों की एक्टिंग कमाल की है। IMDb पर इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 73% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद भी किया है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, बहुत ही अच्छी फिल्म है, मिस नहीं करनी चाहिए। आज की हमारी लिस्ट पे नंबर 13 पर है इरफान खान और पार्वती स्टारर बहुत ही रोमांटिक मूवी करीब करीब सिंगल। ये फिल्म एक जर्नी बेस्ड रोमांटिक मूवी है। मूवी के लीड पेयर के बीच केमिस्ट्री और नोकझोंक कमाल की है। मूवी में बहुत सारे कमाल के मोमेंट और बहुत सारे प्यारे प्यारे डायलॉग हैं। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की दमदार रेटिंग मिली हुई है और 84% गूगल यूजर ने मूवी को पसंद भी किया है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो यकीन मानिए आप इरफान खान की एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी को मिस कर रहे हैं, जो कि एक मास्टरपीस है। हमारी लिस्ट में नंबर 12 पर है अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी नमस्ते लंदन। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और हिमेश रेशमिया का म्यूजिक फिल्म की जान है। फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे हैं और फिल्म की कहानी बिल्कुल फ्रेश और डिफरेंट टाइप की लव स्टोरी है। IMDb पर इस मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 की दमदार रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर ने मूवी को पसंद भी किया है। वैसे तो ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी, पर अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, यकीन मानिए दोस्तों आपको इस मूवी को बार बार देखने का मन करेगा। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 11 पर है शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की मूवी दिल से। दोस्तों ये मूवी इतनी अच्छी है कि मैंने खुद ये मूवी 10 से 12 बार देखी है। इस फिल्म की स्टोरी एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है। फिल्म को बहुत अच्छी लोकेशन पर शूट किया गया है। AR रहमान का म्यूजिक और सारे गाने फिल्म को एक अलग ही लेवल की फिल्म बना देते हैं। फिल्म में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला का बार बार मिलना ही ऐसा लगता है जैसे आप कोई रियल स्टोरी देख रहे हो। मनीषा कोइराला की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है और 60% गूगल यूजर ने मूवी को पसंद भी किया है। मूवी का स्टेशन वाला सबसे पहला सीन, फिर रेडियो स्टेशन पर जब स्टोरी सुनाता है वो वाला मोमेंट, जब अजनबी गाना आता है और मनीषा कोइराला रेडियो बंद कर देती है। मूवी में ना जाने ऐसे कितने मूवमेंट है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये मूवी एक लव सागा है बॉलीवुड। ऐसी मूवी बॉलीवुड में दोबारा कभी नहीं बनेगी। वैसे तो इस फिल्म के गाने बहुत ही फेमस हैं, बट फिल्म को बहुत कम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों एक बार इस फिल्म को देखें और फिर डिसाइड करें कि फिल्म कैसी है। ये एक मास्टरपीस है जो बॉलीवुड में 10-15 सालों में सिर्फ एक बार बनती है। बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज की बात चल रही है और शाहरुख खान का नाम ना आए ये तो इम्पॉसिबल है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है एक और शाहरुख खान की मूवी देवदास। माधुरी और ऐश्वर्या की एक्टिंग और शाहरुख खान की परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत खास है। फिल्म की कहानी शरद चंद्र की बंगाली नॉवल पर बेस्ड है और इस पर पहले भी फिल्म बन चुकी है, बट ये फिल्म अपने आप में बहुत खास है। अगर आपने फिल्म का एक भी मोमेंट मिस कर दिया तो कहानी को समझ नहीं पाएंगे और आपके पास सिर्फ बहुत सारे सवाल बचेंगे, जैसे देवदास ने पारो से शादी क्यों नहीं करी, शाहरुख खान ने शराब क्यों नहीं छोड़ी, क्या देवदास को भी चंद्रमुखी से प्यार था, देवदास फिल्म के एंड में पारो के घर क्यों जाता है, पारो एक अमीर घर में शादी क्यों करती है। इन सभी सवालों का जवाब फिल्म में है, बट आपको फिल्म बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी बिना एक भी मोमेंट मिस करे। शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी है। फिल्म को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है। अब जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है और जिन्होंने ये मूवी पूरी नहीं देखी है वो सब जाकर इस मूवी को ठीक से पूरा जरूर देखेंगे। नंबर 9 की पोजीशन को शेयर कर रही है बॉलीवुड की दो बेहतरीन फिल्में हंसी तो फंसी और मेरी प्यारी बिंदु। दोनों ही फिल्मों में परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत प्यारी लगती है। दोनों ही फिल्मों की लव स्टोरी न्यू और यूनिक है। आयुष्मान खुराना और सिद्धार्थ दोनों ही हीरो के साथ परिणीति चोपड़ा की केमिस्ट्री बहुत रोमांटिक है और दोनों फिल्मों में बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स हैं जो आपके फेस पे स्माइल ले आते हैं। स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ हंसी तो फंसी फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। हंसी तो फंसी मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर ने मूवी को पसंद भी किया है। और मेरी प्यारी बिंदु फिल्म को 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 66% गूगल यूजर ने मूवी को पसंद भी किया है। दोस्तों अगर आपने इन दोनों मूवी को मिस कर दिया है तो एक बार जरूर देखें, दोनों ही फिल्म बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्में हैं। नंबर 8 पर है बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी मूवी परिणीता। हमारी टॉप 15 रोमांटिक मूवी की लिस्ट में यह सेकंड मूवी है जो कि बंगाली राइटर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल से
अडॉप्ट की गई है। दो पड़ोसियों के घर, बचपन की दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी तक का सफर है फिल्म। सैफ अली खान की आज तक की बेस्ट मूवी है ये। विद्या बालन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और बाकी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म बंगाली थीम पर बेस्ड है, जैसे कि देवदास और ओल्ड कोलकाता की याद दिलाती है। फिल्म को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की स्ट्रांग रेटिंग मिली हुई है और 84% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी लव स्टोरी देखनी पसंद है जो बिल्कुल बचपन से शुरू होती है, फिर आपको भी बचपन में अपने पड़ोसन से प्यार हुआ हो, तो एक बार आप ये मूवी जरूर देखें। आप सच में फिल्म से इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है वीर जारा। सरहद पार से आई एक पाकिस्तानी लड़की और आर्मी ऑफिसर के सच्चे प्यार और उम्र भर के इंतजार की दास्तान है ये फिल्म। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना ज्यादा इमोशनल है कि आपको सच में रोना आ जाएगा। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है और फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे हैं। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की बहुत जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है और 81% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है। दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया तो एक बार जरूर देखें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है आकाश बानी। ये कार्तिक आर्यन की सेकंड मूवी थी। इसमें नुसरत भरोच और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इनकी जोड़ी भी बहुत प्यारी लगती है। इस मूवी के डायरेक्टर थे लव रंजन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा बनाई है, कॉलेज रोमांस, फिर लड़की का फैमिली प्रेशर में किसी और लड़के से शादी कर लेना, फिर कहानी का मेन ट्विस्ट जब वो वापस हमारे हीरो से मिलती है। ये फिल्म हर उस लड़के के लिए प्लीजेंट एक्सपीरियंस है जिसके प्यार ने फैमिली प्रेशर में किसी और लड़के से शादी कर ली है। तो सभी ट्रू लवर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार ये फिल्म जरूर देखें, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा इस फिल्म से। फिल्म को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 63% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है, तो एक बार ये फिल्म जरूर देखें। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5th नंबर पर है बर्फी, जो कि रणबीर कपूर की आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर, इलियाना डीक्रिज को बेस्ट डेब्यू एक्टर, अनुराग बासु को बेस्ट डायरेक्टर और प्रीतम को बेस्ट म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला था। इसके अलावा फिल्म को और भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे और ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी सिलेक्ट की गई थी। एक गूंगे बहरे लड़के और एक एबनॉर्मल लड़की की लव स्टोरी है फिल्म। दार्जिलिंग की खूबसूरत लोकेशंस और टॉय ट्रेन वाले सारे सीन, ओल्ड 80s का कोलकाता और सौरभ शुक्ला की जबरदस्त एक्टिंग, ये फिल्म एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उन सारे मूवी लवर्स के लिए जिन्हें कमर्शियल सिनेमा से हटकर रियल सिनेमा पसंद है। इस फिल्म को जितनी बार भी देखेंगे, फिल्म आपको कभी भी बोर नहीं करेगी। फिल्म के सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं और फिल्म की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है और फिल्म में सारे एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसी फिल्म बॉलीवुड में सदियों में एक बार बनती है। फिल्म को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की बहुत ही स्ट्रांग रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है। तो दोस्तों, एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और यकीन मानिए, ये फिल्म आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज में से एक बन जाएगी। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है RH TDM। 90s के बच्चों को इसकी फुल फॉर्म UPSC के क्वेश्चन आंसर की तरह याद है। बाकी न्यू जनरेशन के लिए मैं बता देता हूँ, रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म का जादू अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज से 23 साल पहले था। फिल्म को जब भी देखो, ये कभी भी पुरानी फिल्म नहीं लगती। मेडिकल स्टाइल, मेडिकल स्वैग और उसका प्यार करने का अंदाज, सब कुछ आपके दिलो दिमाग पर बिल्कुल हावी हो जाता है। क्यूट एंड ब्यूटीफुल सी दिया मिर्जा और आर माधव का मासूम और रोमांटिक अंदाज इस फिल्म को एक एवरग्रीन लव स्टोरी बनाते हैं। ये फिल्म हम 90s के बच्चों के लिए एक लव सागा है। जो लोग आर माधव को ठीक से नहीं जानते, उन्हें मूवी एक बार जरूर चाहिए, सच में मैडी के फैन बन जाएंगे। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है और 75% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है। जिन्हें मेरी तरह रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है, और अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर है रॉकस्टार। रणवीर कपूर की लाइफ की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है रॉकस्टार। इस फिल्म में जनार्दन और जॉर्डन दोनों ही किरदार को रणवीर कपूर ने अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग से सचमुच जिंदा कर दिया है। आपको एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि वो फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं। रणवीर ने सच में अपने किरदार को जिया है इस फिल्म में। शाहरुख खान के बाद अगर बॉलीवुड में कोई है जो सच में रोमांटिक फिल्में कर सकता है, तो वह है रणवीर कपूर। इनकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी है इस फिल्म में कि आपको ऐसा लगने लगता है कि रणवीर कपूर की रियल लाइफ स्टोरी है। AR रहमान का म्यूजिक, मोहित चौहान की आवाज और इरशाद कामिल के बोल एक अलग ही लेवल का माहौल क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही औसम है। एक सिंपल कॉलेज का लड़का जो थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता है, फिर दिल तोड़वाने के लिए कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करता है, फिर जब सच में उसका दिल टूटता है, उस टाइम का गुस्सा, उसकी तड़प और उसके अंदर की जलन, अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के बीच बीच में जब वो जोर जोर से चिल्लाता है, यू कैन डायरेक्टली रिलेट टू हिज पेन ऑन एवरी सिंगल टाइम इफ यू एवर फॉल इन लव विद समवन एंड यू हैड दिस काइंड ऑफ पेन इन योर लाइफ। ऐसे तो इस फिल्म के गाने बहुत ही फेमस है, पर इस फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों की फिल्म समझ में ही नहीं आई थी। पर दोस्तों, जब आप फिल्म को 5-10 बार देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इम्तियाज अली सर ने एक ऐसा मास्टरपीस बना दिया है जो शायद बॉलीवुड में दोबारा कभी नहीं बन सकता। और रणवीर कपूर ने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस शायद इसी फिल्म में दी है। नरगिस फाकरी भी फिल्म में बहुत प्यारी लगती है और बाकी सभी सपोर्टिंग एक्टर ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद भी किया है। दोस्तों, अगर आपको इस फिल्म का रियल मैजिक समझना है, तो आप मूवी को देखने से पहले एक बार गूगल रिव्यूज पढ़ें और मूवी को देखने के बाद एक बार दोबारा गूगल के रिव्यूज पढ़ें।
तो दोस्तों चलते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 मूवी की ओर, जो कि है बेकअप सिद्ध। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, उसे बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है और एंजॉय करना है। पर जब उसके सारे दोस्त एग्जाम में पास हो जाते हैं और वो अकेला फेल हो जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं और फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है उसको पूरा बदल देती है। एक बहुत ही सिंपल प्यारी सी लव स्टोरी है बेकअप सिद्ध। पूरी फिल्म के दौरान आपके फेस पर स्माइल बनी रहती है और फिल्म का क्लाइमेक्स आपको एक बहुत ही अच्छी सी फील गुड फीलिंग देकर जाता है। अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से बनाया है। इस फिल्म को देखकर आपको ऐसा लगता है कि हर लड़की की लाइफ में ये सब चीजें होनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने पैशन को समझ सके और एक अच्छा इंसान बन सके और उसको भी एक ऐसी प्यारी सी लाइफ पार्टनर मिलनी चाहिए। इस मूवी को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद भी किया है। फिल्म में रणवीर कपूर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है और उसके दोस्तों के रोल में बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है और बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल एक्टर कोंकणा सेन शर्मा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म का म्यूजिक और फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। फाइनली हमारी लिस्ट की नंबर 1 पर रैंक कर रही है एक दीवाना था, हम सबकी, आपकी और मेरी, एक कॉमन गली मोहल्ले के लड़की लड़कियों की प्यारी सी बहुत ही रियलिस्टिक लव स्टोरी है ये फिल्म। कैसे किसी दिन सडनली हमें हमारा फर्स्ट लव हो जाता है, कैसे उसे फॉलो करते हैं, कैसे उसे अप्रोच करते हैं, फिर घूमना फिरना, फिर लड़की का भाई, लड़की का बाप, कास्ट, रिलीजन और बहुत सारी प्रॉब्लम एंड ब्रेकअप, फिर इंतजार, फिर अगर किस्मत में हो तो हैप्पी एंडिंग। हम सबकी लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई और एकदम रियल, बिना किसी मिर्च मसाला के एकदम सिंपल ढंग से बनाई गई एक आम लड़की की लव स्टोरी सुनाती है ये फिल्म। एमी जैक्सन इस फिल्म में बहुत औसम लगती है और उनकी एक्टिंग कमाल की है और प्रतीक बब्बर इज सो रियल इन हिज कैरेक्टर। फिल्म की कहानी इतनी रियलिस्टिक है कि हर कोई इस फिल्म से आसानी से कनेक्ट कर सकता है। हमारे हर गली मोहल्ले में ऐसी 2-4 लव स्टोरी तो मिली जाएंगी। फिल्म को बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग दी गई है, इसलिए आपको इस फिल्म से प्यार हो जाएगा। आप इसे जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको मूवी अच्छी लगेगी। फिल्म में AR रहमान का म्यूजिक कमाल का है, फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। स्पेशली होशाना सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, बहुत से लोगों ने तो इस मूवी का नाम भी नहीं सुना, इसलिए शायद इस मूवी को बहुत ही कम रेटिंग मिली है। बट अगर आप गूगल पे इसके रिव्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 58% गूगल यूजर ने फिल्म को पसंद किया है। दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार इस मूवी को जरूर देखें और अच्छी लगे तो IMDb पर गूगल पर इस मूवी के लिए रिव्यू पोस्ट करें, बिकॉज सच काइंड ऑफ मूवीज डिजर्व अवर मोर एप्रिसिएशन देन अदर मसाला फिल्म्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी फिल्म का नाम बताने वाला हूं जो सच में एक क्लासिक लव स्टोरी है, जिसे शायद आप लोगों में से किसी ने भी देखा होगा। ये फिल्म किसी भी लिस्ट और रिव्यू से ऊपर लेवल की फिल्म है। इस मूवी के गाने और स्टार कास्ट सब बहुत अच्छा है, किसना द वॉरियर पॉइंट। आप सब एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और मुझे बताइए फिल्म आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।